बारिश के कारण मकान ढह गया है। मकान गिरने से घर का सारा सामान भी दबा है। पानी जमा होने से कई मकानों में दरार आई है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मुआवजे की मांग की है। प्रशासन के अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे हैं। लगातार बारिश होने से मकान ढहने की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर बारिश लगातार हो रही थी। रसगण गांव ये बताया जा रहा है, जहां पर लगातार हो रही बारिश से मकान में आई दरारें और उसके बाद मकान ढह गया। पानी जमा होने से यह हादसा बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मुआवजे की मांग भी की है। मेरे रोड पास तो पूरा पानी भर पड़ा, मेरा मकान है जो चिर गया है, अंदर पानी घुसा पड़ा है और मेरा जो गेहूँ है वह सारा भीगा पड़ा है। बच्चे भी पानी में खड़े हैं। अब पिछले साल मेरा मकान गिर गया, उसका कोई दिलासा देते रहे, उसका कोई मुआवजा नहीं है। और अब फिर मेरा मकान पूरा हुआ है, बच्चे पूरे हुए, हम आए पड़े हैं पानी में और सरकार कुछ दिलासा देती है खाली। और दौसा से एक और अहम जानकारी आपको देंगे, जहां पर अपराधियों के धरपकड़ अभियान, बसवा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 5 महीने से फरार चल रहे 4 वांछित गिरफ्तार किए गए हैं। पवन, हरिओम, कैलाश और जगदीश गिरफ्तार, जमीन विवाद में मारपीट करने का आरोप लगा है। बड़ी खबर दौसा से आपको दे रहे हैं, जहां पर अपराधियों के धरपकड़ अभियान की जानकारी सामने आई है। पवन, हरिओम, कैलाश, जगदीश, 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। जमीन विवाद में मारपीट करने का आरोप इन पर लगा है। बसवा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और चलिए स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।